ईरानी सुप्रीम लीडर ने कासिम सुलेमानी की हलाकत पर मुल्क में 3 रोज के शोक का ऐलान कर दिया है। आयतुल्ला खामनाई कहते हैं कि जनरल की हलाकत का बदला लेंगे। जवाद जरीफ ने कहा है कि हमला आलमी दहशतगर्दी है, अमरीका को नतीजे भुगतना होंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने कासिम सुलेमानी की हलाकत पर मुल्क में 3 रोज के शोक का ऐलान कर दिया। आयतुल्ला खामनाई का कहना है कि जनरल कासिम सुलेमानी को मारने वाले कातिल संगीन बदले का इंतजार करें। जनरल कासिम सुलेमानी एक बहादुर सिपाही थे। जनरल सुलेमानी के कत्ल ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुजहमत को मजीद दुगना कर दिया। अमरीका को सख्त इंतकामी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। मुजहमती तहरीक मजीद ताकत के साथ आगे बढ़ेगी। बगदाद एयरपोर्ट पर अमरीकी हमले पर रद्देअमल में ईरान ने अमरीका को संगीन नतीजे की धमकी दे दी। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ का कहना है कि अमरीका की जानिब से हमले में जनरल सुलेमानी शहादत एक इंतहाई खतरनाक और अहमकाना हरकत है। अमरीका अपनी बदमाश मुहिम जोई के तमाम नतीजे की जिम्मेदारी खुद बर्दाश्त करेगा। वज़ीर-ए-ख़ारिजा जवाद जरीफ ने अमरीकी हमले को आलमी दहशतगर्दी करार दे दिया। खत्ते में संगीन सूरत हाल के सबब ईरान में टॉप सिक्योरिटी बॉडी का फौरी इजलास भी तलब कर लिया गया है।